नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो है यूरिक एसिड के बारे में। जी हाँ, यूरिक एसिड होने की जो समस्या होती है, यानी यूरिक जब आपके शरीर में ज्यादा हो जाता है तो इससे हमारे घुटनों में दर्द होने की समस्या शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हमें चलने फिरने में भी काफी तकलीफें होने लगती है, खासकर डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। तो जानते हैं यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ गया है तो आप घरेलू नुस्खे में यूरिक एसिड को कैसे कम करें ताकि आप इन समस्याओं से बच सके। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। एसिड को कम करने के लिए आप नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, नींबू का सेवन आपके यूरिक एसिड को कम कर सकता है क्योंकि इसके अंदर में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। नींबू के अंदर में विटामिन सी भी पाया जाता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप इसे सुबह और शाम दो गिलास नींबू का पानी का सेवन कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। आप इसकी जगह खट्टे फलों का भी सेवन कर सकते हैं जैसे कि संतरा या फिर मौसम्बी, जो भी आप खट्टे फल का सेवन करते हैं इससे आपकी यूरिक एसिड कम हो जाती है जिससे आपकी घुटने में दर्द और चलने फिरने की समस्याएं कम हो जाती है। आप वजन कम करने के लिए भी नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे सुबह गुनगुने पानी में भी पी सकते हैं खाली पेट। तो नींबू का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा यूरिक एसिड को कम करने के लिए। राइबोफ्लेविन, थायमिन, क्यूमिन, डाइपेंटिन, कुछ अलग अलग तरह के पोषक तत्व और काफी आयुर्वेदिक चीजों से भरा ये अजवाइन का सेवन। जी हाँ, अजवाइन और अजवाइन का फल ये आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। अगर आप अजवाइन का सेवन करते हैं तो इससे भी आपकी यूरिक एसिड कम हो जाती है। इसके साथ ही आपके होने वाली सूजन की समस्या जो शरीर में होती है उससे भी अजवाइन बहुत फायदेमंद है। इसके साथ अजवाइन आपके पेट की हर समस्या को दूर करने में आपकी बहुत मदद करता है। तो आप अजवाइन को यूरिक एसिड की समस्या को कम करने के लिए, उसे दूर करने के लिए अजवाइन का सेवन आप कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर सेब का सिरका, जी हाँ, ये आपके ब्लड के पीएच लेवल को बढ़ाता है। इसके साथ ही आपके यूरिक एसिड को नियंत्रण यानी कंट्रोल रखने में भी आपकी बहुत मदद करता है। तो आप सेब का सिरका का सेवन सुबह खाली पेट एक गिलास पानी में 2 से 3 चम्मच या फिर 5 से 10 ml का सेवन कर सकते हैं। तो सेब का सिरका आप जरूर सेवन करें ताकि आपकी यूरिक एसिड कम हो सके और आप समस्याओं से बच सके। यूरिक एसिड को कम करने के लिए सेब का सिरका बहुत फायदेमंद होता है। आप इसे खाना खाने के पहले आधा एक घंटा पहले भी कर सकते हैं, सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं। 5 से 10 ml से आप शुरुआत कर सकते हैं सेब के सिरका का सेवन। पाइरोडॉक्सिन, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B9, फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर प्याज यानी अनियन। जी हाँ, प्याज का सेवन भी आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करता है। आप प्याज को किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं, खासकर इसे आप कच्चा या सलाद के साथ खाएंगे या फिर प्याज का रस निकाल करके भी आप पी सकते हैं। यह आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल यानी नियंत्रण करने में आपकी बहुत मदद करता है। शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे लिए नुकसानदेह होता है, तो आप यूरिक एसिड को कम करने के लिए इन सभी चीज का सेवन कर सकते हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। तो ये था वीडियो यूरिक एसिड को कम करने के बारे में। मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।